देश के युवाओं को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, रोजगार मेला किया लॉन्च। 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र किया जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया रोजगार मेले का उद्घाटन। पीएम ने युवाओं को किया संबोधित, कहा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। 38 मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग लेवल पर नौकरी। पीएम मोदी ने कहा रोजगार के बन रहे हैं कई नए अवसर। देश में फैक्ट्रियां बढ़ने से बढ़ा निर्यात और काम करने वालों की संख्या। युवाओं के कौशल विकास पर है मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर। 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिली स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेनिंग। महिलाओं के रोजगार को लेकर पीएम ने कहा भारत सरकार की आर्थिक मदद वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ महिलाएं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर पीएम ने कहा 7-8 साल के अंदर 10 से 5वें नंबर पर लगाई छलांग। रोजगार मेले के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना। 1.5 साल में मिशन मोड पर की जाएगी भर्ती। यूपीएससी, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी एजेंसियों की मदद से दी जाएंगी नौकरियां। ग्रुप ए और बी गेजेटेड, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी में होंगी ज्वाइनिंग। गुरुग्राम में रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। नड्डा ने कहा 1 साल में निर्यात में हुई 31% की बढ़ोतरी, आज भारत लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोजगार मेला कार्यक्रम में लिया हिस्सा, लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। अनुराग ठाकुर ने कहा 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों को हटाकर भारत बना दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी, यह है बदलते भारत की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की रोजगार मेले की तारीफ, कहा पीएम ने की ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत। महाराष्ट्र में रोजगार को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, 5,000 युवाओं को देंगे नौकरियां। धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में देंगे अपने घर का तोहफा, 4,51,000 परिवारों को मिलेगा अपना घर। थोड़ी देर में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल। 17 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलेगा घर। पीएम मोदी गृह प्रवेशम के मौके पर मौजूद जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में अब तक 38 लाख मकान स्वीकृत किए गए। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। शमी सिराज को लेकर ओवैसी ने निकाला मुस्लिम एंगल। बीजेपी का सोनिया राहुल पर तंज, कहा मां बेटे की नहीं चल रही लीडरशिप। संबित पात्रा बोले राहुल हिमाचल के लोगों की क्यों कर रहे हैं उपेक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार से घिरे, शिक्षा मंत्री हैं शराब घोटाले के मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर में 15 नए वर्गों को आरक्षण, जाट, पश्चिमी पाकिस्तान, शरणार्थी, गोरखा, वागी शामिल। सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने के आदेश जारी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा फिर बीजेपी के साथ जाते हैं नीतीश तो फैसले का करेंगे स्वागत। मांझी ने कहा राजनीति में कुछ भी संभव है, बिहार के विकास के लिए पाला बदलना चाहते हैं नीतीश तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उद्धव गुट के नेता अनिल परब को सरकार का झटका, दापोली में तोड़ा जाएगा रिजॉर्ट। किरीट सोमैया का ट्वीट, ध्वस्तीकरण के लिए दिया विज्ञापन, 10 नवंबर से खुलेगा टेंडर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 45वां दिन, राहुल गांधी ने कर्नाटक के येरागेरा गांव से की यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद, यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल। शिवराज पाटिल के गीता में जिहाद वाले बयान से कांग्रेस से बनाई दूरी, जयराम रमेश ने बयान को बताया अस्वीकार्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कांच किया शेयर। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनएससी में भारत का बयान, यूक्रेन को लेकर जनकेंद्रित बना रहेगा रुख, कीमत बढ़ोतरी से प्रभावित देशों का समर्थन रहेगा जारी। प्रधानमंत्री मोदी छोटी दिवाली के मौके पर कल जाएंगे अयोध्या, दीपोत्सव समारोह का करेंगे उद्घाटन। पीएम के साथ दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे सीएम योगी, भव्य स्वागत की तैयारियां। रामनगरी में दीपोत्सव का इस बार 6ठा एडिशन। पीएम मोदी सबसे पहले करेंगे रामलला का दर्शन और पूजा, छोटी दिवाली के कार्यक्रम में 4 घंटे करेंगे शिरकत। रामनगरी अयोध्या के सरयू तट पर 17 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाने की तैयारी, अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स के साथ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। अयोध्या में दीपोत्सव में होंगे 12 लेजर शो, कई जगहों पर रामलीला का भी आयोजन, झांकियां भी निकाली जाएंगी। 3.5 लाख दीपों से जगमगाया यूपी का उन्नाव, सांसद साक्षी महाराज भी रहे मौजूद, खुशी से झूमते नजर आए बच्चे। पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने किया पटाखा फैक्ट्री का उद्घाटन, पटाखा कर्मियों को बांटी मिठाइयां। थवल कुप्पम इलाके में लोगों को मिली सौगात, भोपाल में दिवाली पर बिक रहे हैं ग्रीन क्रैकर्स, पटाखों की कीमत भी 40 से 50% तक बढ़ी, फिर भी लोगों में त्यौहार को लेकर जबरदस्त उत्साह। दिवाली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदला, आखिरी मेट्रो 10:00 सभी स्टेशन से चलेगी। मुंबई में छठ पूजा के लिए बनेगा आर्टिफिशियल तालाब, समुद्र किनारे भीड़ से बचने के लिए शिंदे सरकार का फैसला। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की मॉक ड्रिल, हेलीकॉप्टर ध्रुव से समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन करके दिखाया। अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर क्रैश में 5वां शव भी मिला, सेना ने पूरा किया सर्च अभियान। कल सियांग जिले में सिंगिंग गांव के पास हुआ था हादसा, टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर हुआ था हादसा। सेना में जून 2015 को शामिल हुआ हेलीकॉप्टर रुद्र। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,112 नए केस, अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या 24,043। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब, राजधानी के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े के पार पहुंचा। दिल्ली में इंडिया गेट पर सुबह सुबह दिखी प्रदूषण की मार, कोहरे की वजह से मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों की बढ़ गई मुसीबत। पंजाब के तरन तारण में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली, एडमिनिस्ट्रेशन की पराली न जलाने के आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। मध्यप्रदेश के रीवा में बस और ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 15 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल 20 लोगों को प्रयागराज के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुहागी पहाड़ी के पास हुआ हादसा, हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस, बस में सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले, पार्थिव शरीर को प्रयागराज लाया जाएगा। पीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया, रिलीफ फंड से घायलों को भी दिए जाएंगे 50,000 रुपए। यूपी
कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। सीएम ने मुआवजा का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर जताया दुख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर की बात। मध्यप्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 1-1 लाख का मुआवजा। घायलों को भी 10-10 हजार की मदद का ऐलान। मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने कई स्टेशन के लिए बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का रेट। 31 अक्टूबर तक 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए का मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। भोपाल के पेट्रोलियम डिपो में लगी भीषण आग, 7 लोग घायल हो गए। बकनिया इलाके में हुआ हादसा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो में रिफिलिंग के दौरान लगी आग। घायलों का निजी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। 4 की हालत गंभीर। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर जताया दुख। घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को दिए डायरेक्शन। घाटी में टेरर फंडिंग को लेकर जांच एजेंसियों का एक्शन। श्रीनगर में एसआई की टीम ने की छापेमारी। यूपी के कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने पर घमासान। कोच के अंदर रास्ता रोककर पढ़ी गई नमाज। पूर्व बीजेपी विधायक ने की शिकायत। ट्रेन में चादर बिछाकर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक का केस। सऊदी अरब से शौहर ने बीवी को व्हाट्सएप पर भेजा 3 बार तलाक। पीड़िता ने की हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग। मुंबई में घर से चोरी करने वाला गिरोह सीसीटीवी में कैद। दरवाजा खुला रह जाने पर घर में घुसते थे। गैंग में हैं 2 महिलाएं और 2 बच्चे, 1 मेंबर गिरफ्तार। मुंबई के नयानगर इलाके में चोरी का सीसीटीवी आया सामने। शरीर पर ओढ़े कपड़े को बनाया पर्दा। पर्दे की आड़ में मेडिकल स्टोर में की चोरी। महिलाओं ने शातिर ढंग से तोड़ा मेडिकल स्टोर का शटर। दुकान से कैश चोरी कर हुए फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुरैना के बानमौर विस्फोट में 5वीं मौत। 2 दिन से चल रहा है इलाज। 20 अक्टूबर को अवैध पटाखा बनाते वक्त हुआ था विस्फोट। पुलिस ने पटाखा निर्माता और मकान मालिक पर दर्ज किया केस। कच्चा माल उपलब्ध कराने वालों का मामला दर्ज। शिवगंगा हादसे पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। हादसे में प्रेग्नेंट महिला और मां की हुई मौत। मुंबई में एटीएम से चोरी की कोशिश करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मलाड पुलिस ने शिकायत के बाद की कार्रवाई। आरोपियों से पूछताछ जारी। जोधपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 115 स्मार्टफोन किए रिकवर। बरामद किए गए फोन की कीमत करीब 4 लाख रुपए। कई दिनों की मेहनत के बाद मिली सफलता। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में जमीन में दबा मिला हाथी का शव। गांव वालों पर मारकर दफनाने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। असम के चराईदेव में जंगली हाथी की मौत। बिजली का करंट लगने से गई हाथी की जान। नापुक चाय बागान के पास हुआ हादसा। नोएडा में ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 गिरफ्तार। होटल में प्रेमी जोड़े की बनाई वीडियो। फोन पर पैसे की कर रहे थे डिमांड। आरोपियों ने कबूला जुर्म। आरोपियों की मदद करने वाला कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार। आरोपियों को सिम और किराए पर खाता कराता था उपलब्ध। गिरोह का नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। कर्नाटक के हुलिकेरी में खराब सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन। कीचड़ में नहाए लोग। तुमकुर जिले में सड़कों की बदहाली से लोग परेशान। कोल्हापुर में कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। स्थूल क्षेत्र में 3 से 4 फीट तक भर गया पानी। भूपेश बघेल ने आदिवासी डांस महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा आदिवासियों के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है छत्तीसगढ़। पुणे में बोले मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। 2026 तक मध्यप्रदेश बनेगा $550 अरब की इकॉनमी। कहा मध्यप्रदेश में मुंबई की तुलना में काफी सस्ती जमीन। रिलायंस जियो ने राजस्थान में शुरू की 5G सेवा। नाथद्वारा राजसमंद में रिलायंस जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने की शुरुआत। धनतेरस पर गाड़ियों की रिकॉर्ड बुकिंग। 1.5 लाख करोड़ पार पहुंच सकता है खुदरा कारोबार। धनतेरस पर 42 टन तक बिक सकता है सोना। कीमतों में उछाल के बावजूद बढ़ गई मांग। ITAT ने दी गूगल इंडिया को राहत। आयरलैंड इकाई को 1,457 करोड़ रुपए भुगतान का नहीं माना रॉयल्टी। लंबित मामलों के निपटारे के लिए अभियान के तहत वाणिज्य मंत्रालय का बड़ा कदम। बंद की 14,560 ई फाइलें। स्पाइसजेट पर लगे प्रतिबंध को DGCA ने हटाया। 30 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगी फ्लाइट्स। कल भारत पाकिस्तान मैच को लेकर मेलबर्न में टीम इंडिया के फैंस का जमावड़ा। गाने गाकर बढ़ा रहे हैं टीम का उत्साह। ऑस्ट्रेलिया के मैदान में खेलने को लेकर रोहित शर्मा ने कहा टीम इंडिया है तैयार। ऐसे विकेट पर कई बार हो चुकी है प्रैक्टिस। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हो सकती है बारिश। मैच बाधित होने पर कम ओवर का हो सकता है खेल। मैच में बारिश की आशंका को लेकर रोहित शर्मा ने कहा ऐसी चीजों पर नहीं कर सकते कंट्रोल। 10-10 ओवर्स के मैच के लिए भी है तैयार। कनाडा में बंदूक नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई। हैंडगन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर लग गया बैन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा बढ़ती बंदूक हिंसा को देखते हुए बैन लगाना हुआ जरूरी। इमरान खान की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पाकिस्तान में तनाव। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर समर्थकों ने की फायरिंग। इमरान खान को तोशाखाना मामले में 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद शुरू हुआ हंगामा। पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जगह जगह निकाली रैलियां। जमकर किया हंगामा और पथराव। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। 5 हफ्ते में रिटायर होंगे। अमेरिका में भारी संख्या में स्टूडेंट लोन में राहत की मांग। करीब 2 करोड़ छात्रों ने किया आवेदन। टेक्सस में 15 साल के जुड़वा बच्चों को भूखा रखने और ब्लीच पिलाने के आरोप में मां गिरफ्तार। लिव इन पार्टनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। भूमि पेडनेकर की दिवाली पार्टी में पत्रलेखा के साथ राजकुमार राव हुए शामिल। रकुलप्रीत सिंह भी आई नजर। मुंबई में तान्या दुबाश की दिवाली बैश में पहुंचे सितारे। नोरा फतेही, फरहान अख्तर, मलाइका अरोड़ा, जेनेलिया डिसूजा, रितेश देशमुख आए नजर। मुंबई एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को फैंस ने घेरा। एक्टर संग सेल्फी खींचने के लिए लग गई होड़। गोवा में फिल्म फेस्टिवल के दौरान होंगी 25 फीचर और 20 नॉन फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग। द शो मस्ट गो ऑन होगी ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म। और फिल्म रॉकेट गैंग का पार्टी ट्रैक नाचोगे तो बचोगे आउट। 11 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।